हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे शर्मिला टैगोर के जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके जीवन की खास बात के बारे में। शर्मिला टैगोर का जन्म 18 दिसंबर 1946 को था तत्कालीन आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गीतेंद्रनाथ टैगोर तत्कालीन एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडियन कंपनी के मालिक थे। शर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही सत्यजीत राय की फिल्म अपूर संसार से कर लिया था और इस फिल्म में किए श्रेष्ठ अभिनय के कारण वह शीघ्र ही दुनिया भर में मशहूर हो गई और कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का अवसर दिया। इन फिल्मों में देवी, नायक, सीमाबद्ध आदि प्रमुख फिल्में हैं। शर्मिला की शानदार अदाकारी और दर्शक की मांग ने जल्द ही उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। उस जमाने में जब अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रखती थी और माथे पर बड़ा सा टीका लगाया करती थी, शर्मिला ने इसके उलट छोटे कपड़े और मॉडर्न तरीके से दर्शकों के बीच आई, जिसे दर्शकों ने भी खुले मन से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सारी हिट फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री में दर्ज करवाया। शर्मिला ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी से सन 1968 में शादी की और अपना नाम आयशा सुल्ताना रखा। विवाह के बाद वह सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान की मां बनी। इसकी प्रसिद्ध फिल्म मौसम, अनुपमा, सत्यकाम, बंधन, अविष्कार, एकलव्य, सफर, सफर दूसरी दुल्हन, अमानुष आदि उनकी प्रमुख फिल्में हैं। शर्मिला को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।